हाय टू एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचओडी में। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारे लास्ट वीडियो का पार्ट टू है। इसका टाइटल था ऑल अबाउट वैक्सीन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैक्सीन फर्दर बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। जैसा कि वी ऑल नो दैट अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में कोरोना वायरस के खिलाफ दो वैक्सीन का यूज किया जा रहा है, जो कि है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। इन दोनों वैक्सीन की डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कुछ और फैक्ट्स भी जानेंगे। इस समय इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वाइव चल रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस साबित हुई है इंडिया के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज में। कोरोना वायरस की सेकेंड वाइव ने इंडिया में लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सेकेंड वाइव में पीक में इंडिया में लगभग 4 लाख केसेस पर डे और 3 से 4 हज़ार मौतें पर डे देखने को मिली है, जो कि ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही दर्दनाक हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने बड़े देश में केवल दो वैक्सीन के साथ तो कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने और वैक्सीन को अप्रूव किया है, जो कि है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक बी। स्पुतनिक बी की जो इफेक्टिवनेस है कोरोना वायरस के खिलाफ वो लगभग 92% की है। कोरोना की सेकेंड वायर में इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट केसेस काउंट किए गए हैं, जो कि हैं 13.5 मिलियन, जबकि सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक सिर्फ US में देखने को मिले हैं, जो कि हैं 31 मिलियन केसेस। क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना वायरस से बचने का एक अकेला उपाय है, तरीका है, तब भारत सरकार का लक्ष्य जुलाई के एंड तक इंडिया की लगभग 250 मिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, जो कि दो वैक्सीन के सहारे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्पुतनिक वी को परमिशन मिली है इंडिया में और अभी और भी वैक्सीन को परमिशन दी जाएगी। इंडियन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, UK एंड जापान जैसे जो बड़े बड़े देशों के मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, जिन वैक्सीन को मंजूरी दे रखी है, उन्हें भारत में फास्ट ट्रैकिंग मंजूरी दे दी जाएगी भारत में उपयोग के लिए। ऐसा होने पर फाइजर, मॉडर्ना के वैक्सीन इंडिया में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंडियन वैक्सीन की डिटेल्स। पहला है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन एक इंडियन वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप की है ICMR और NIV के साथ मिलकर। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। इस कंपनी के जो मालिक हैं वो कृष्णा अमीना है। कोवैक्सीन की प्राइस लगभग 400 रुपये प्रति डोज है। इसकी इफेक्टिवनेस कोरोना वायरस के खिलाफ 70 से 80% है। चलिए दूसरी वैक्सीन के बारे में जानते हैं, जो कि कोविशील्ड, जो इस वक्त भारत में यूज की जा रही है, जिसे एस्ट्राजेनेका और जीएम इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया है। ये वैक्सीन नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसके फाउंडर साइरस एस पुणे वाला है, CEO अदर पुणे वाला है। इसकी प्राइस 150 रुपये पर डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 400 रुपये पर डोजेस स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसकी इफेक्टिवनेस कोरोना वायरस के खिलाफ लगभग 80% की मापी गई है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।